समझ में आया आपको? अगर आप अपने थॉट्स पे वर्क करते हो, क्योंकि आपकी बिलीफ आपके थॉट्स से बनती है, तो अगर आप अपने थॉट पे वर्क करते हो तो अपने आप से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो. सो यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर थॉट. आपने कभी अगर बो एंड एरो का गेम देखा होगा, तो अगर आप मुझे एक दूर पे कहीं पे निशाना लगाना है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो अगर आप पर्सन को बोलोगे ना जो एरो पकड़ा हुआ है या बो एंड एरो पकड़ा हुआ है, तो उसको बहुत अपना बो एंड एरो नहीं पड़ता है, उसको एक थोड़ा सा एंगल ही शिफ्ट करना पड़ता है. अगर वो थोड़ा सा भी एंगल शिफ्ट कर देना, तो दूर में कहीं जाके वो बहुत है ना, एक पूरा एक वेरिएशन आपको उसके एरो में दिखाई देगा. तो आपको समझ में आया कि सिर्फ एक थोड़ा सा एंगल चेंज करने से भी दूर जाके वो एरो का पूरा एक वेरिएशन समझ में आता है. सिमिलरली इज ऑफ योर थॉट. अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करते हो, थोड़ा सा अपने थॉट को चेंज करने में वर्क करोगे, तो अपने आप से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे. आपको पता है कि जैसे एक सेल मतलब एक बेबी बॉर्न होता है, उसके पहले एक सेल मतलब कंसीव होते हैं मदर के वूम में. आपको पता है उसके लिए दो चीजें लगती है, एक एग लगता है मदर का एंड एक स्पर्म लगता है फादर का. आपको पता है एट अ टाइम 700 स्पर्म एक साथ रेस करते हैं, आउट ऑफ दैट ओनली वन द हेल्दीएस्ट और द फास्टेस्ट जो एग को सबसे पहले रिच करता है, वहां जाके कंसेप्शन होता है, और कंसेप्शन के बाद वो बड़ा होके एक बेबी बनता है एंड यू आर बॉर्न. आपको समझा, यू आर सिंस योर कंसेप्शन ऑफ विनर. वो जो एक हेल्दीएस्ट द फास्टेस्ट फॉर्म था, उसके फॉर्म होने से एक के साथ आप बने हो, तो यू आर सिंस योर कंसेप्शन ऑलरेडी अ विनर. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट ही वैसा है विनिंग का, तो अपने आप से आप हर कोई चीज को जीत सकते हो या चेंज कर सकते हो. एक आप आज सोचो ना अपने थॉट्स को चेंज करने को, तो भी आप चेंज कर सकते हो. अगर आप एग्जाम्पल होंगे एडविन हिलेरी का, इज द फर्स्ट माउंटेनियर जिसने एवरेस्ट को क्लाइम किया था, तो वो इतनी बार वो हारे हैं, इतनी बार वो आधे रास्ते जाके रिटर्न आए हैं, बट जब जब वो माउंट एवरेस्ट का फोटो देखते थे ना, तब तब वो दिमाग में यही सोचते थे कि वो माउंट एवरेस्ट कितना भी ऊंचा हो, बट अभी वो उसके लेवल से और ऊंचा तो नहीं हो सकता है, बट मैं बीइंग अ ह्यूमन, मैं आज भले ही आधा चढ़ के वापस आया हूँ, बट मैं मेरे कैपेसिटी में, मेरे स्किल्स को, मैं मेरे स्ट्रेटेजीज को हर बार चेंज करके खुद ग्रो होते जाऊंगा, और मैं एक दिन तो उसको पक्का चढ़ूंगा ही. और फाइनली ही इज द फर्स्ट पर्सन की जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था. आपको समझा, ये थॉट जैसे उन्होंने एक विनिंग का थॉट रखा, वैसे ही आप अपनी एक स्टोरी जो कॉन्स्टेंटली खुद को बोलते हो ना, योर स्टोरी इज वॉट यू स्पीक टू योर सेल्फ. आई कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से ये होगा. वॉट इज योर स्टोरी यू आर कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग टू योर सेल्फ. तो वो जो आपकी स्टोरी, अगर आप उसको एक न्यू स्टोरी में फॉर्म करो, कोई भी, अभी आपको मैंने 7 जोन्स दिए हैं बराबर, तो वो 7 जोन्स में अगर आप एक एक भी पॉइंट लिखो ना कि आज से जैसे मैं हेल्थ के या फिजिकल बॉडी के, जो आपका फिजिकल हेल्थ है फर्स्ट लेयर, उसके लिए अगर आप एक अफर्मेशन नया लिखो खुद के लिए, जो आप खुद का एक नया स्टोरी बनाने हो, जैसे आई एम फिजिकली फिट, आई एम हेल्दी, अगर आप इतना भी बनाओ. सेकेंड, मैं हर चीज को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखती हूँ, मेंटल एंड इमोशन के लेयर पे. थर्ड, अगर आप बोलते हो कि मेरे रिलेशनशिप, मेरे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, या आई नाउ आई सी वॉट आई गिव इन माई रिलेशनशिप, मतलब मैं अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स डालता हूँ, मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा. अगर आप ये एक और एक नया एडिशन करते हो, तो यू आर कॉन्स्टेंटली एक एक लेयर के साथ एक एक अफर्मेशन भी आप नया जोड़ते हो, तो यू कंप्लीटली चेंज योर स्टोरी. अभी आप अपनी न्यू स्टोरी में क्या कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन इट विद ग्रैटिट्यूड. यानी आपकी डिजायर है कि 6 महीने के बाद आपको ये टास्क पे पहुंचना है बराबर, अभी उसमें आप ग्रैटिट्यूड कैसे जोड़ोगे. जैसे मैंने आपको हर एक लेयर के लिए एक नया सेंटेंस बोला, आप खुद के लिए भी वैसा एक नया सेंटेंस फॉर्म करोगे, तो उसमें आप ग्रैटिट्यूड कैसे जोड़ोगे. तो जैसे अगर किसी को अवार्ड मिलता है, वो स्टेज पे जाके क्या करता है, वो उस चीज के लिए थैंक यू फील करता है, लोगों को थैंक यू बोलता है. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा बोलते हैं कि अगर आप पहले से ग्रेटफुल हो कोई चीज के लिए, कोई अचीवमेंट के लिए जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, तो अपने आप से वो अचीवमेंट आपको और इजीली और फास्टेस्ट वे में मिलेगी, और डेफिनेटली मिलेगी ही. आपको समझा, अगर आपको रियलिटी में भी कोई चीज को लाना है, तो अगर आप अपने डिजायर या अपने गोल के साथ ग्रैटिट्यूड को जोड़ देते हो ना, तो इट कम्स इनटू रियलिटी बहुत इजीली. यानी क्या, क्योंकि एक रनर था, एक रेसर, उसको सारे जो एक इक्विपमेंट्स आती है माइंड स्कैनिंग की, अगर आपने वो मशीन देखी होगी पहले,
तो उसमें से एक रिकॉर्ड निकलता है कि ये पर्सन के मसल्स कितने काम कर रहे हैं, उसके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, तो उसका एक पूरा एक पैटर्न एक ग्राफ फॉर्म में निकलता है, ठीक है, मशीन से। तो वो एक जो रेसर था उसको वो पूरे जो हम लोग बोलते हैं ना मशीनरी अटैच करी थी उसके ब्रेन को, ठीक है। उसको बोला अभी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप रेस में दौड़ रहे हो, ठीक है, आप जो रेस ग्राउंड पे करते हो वो एक्चुअली आप अपने दिमाग में इमेजिन करो कि यहाँ बैठे बैठे आप रेस में दौड़ रहे हो और आप कम्पीट कर रहे हो अपने रेसर के साथ। तो उसने वही चीज एक मिनट के लिए कॉन्स्टेंटली विजुअलाइज करी कि वो दौड़ रहा है, उसको फिनिशिंग लाइन दिख रही है, ही इज अबाउट टू विन एंड ही इज विनिंग। आपको समझा, जब वो ऐसा कर रहा था तभी जो उसके बॉडी को सारे मशीनरी जुड़े थे तो उसमें से जो रिकॉर्ड निकला दैट वॉज सिमिलर टू द पर्सन हु इज रियली रनिंग ऑन द ग्राउंड। आपको समझा, उसके मसल ट्विचिंग वैसे ही थे, उसके ब्रेन की एक्टिविटीज वैसे ही चल रहे थे, उसके थॉट्स वैसे ही चल रहे थे, वो जो देख रहा था उसी फॉर्म में उसके सारे मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो पैर का होता है पूरे बॉडी का होता है उसी तरीके के हार्मोन्स उसके बॉडी में फ्लो होने लगे। अभी आप सोचिए, उसने सिर्फ वो चीजों को इमेजिन किया था, उसने एक्चुअली वो चीजें कर नहीं रहा था, सिर्फ इमेजिन करने से भी आपके बॉडी में इतना ज्यादा शिफ्ट आता है। तो आप सोचिए, जब आप अपने गोल्स के बारे में ऐसा सोचते हो बाय सेइंग थैंक यू, यानी I am thankful कि my body is fit and healthy. I am thankful कि my body is flexible. I am thankful कि I have a positive attitude towards everything. I am thankful कि I am creating a great bond in my relationship. I am grateful that I make most of my times. है ना, मैं अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती हूँ, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ कि मुझे लाइफ में बहुत सारे पैसे हर वे से मिल रहे हैं। आई एम थैंकफुल मैं को बहुत सारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे मेरा वर्क बहुत ही अच्छा होते जा रहा है। तो आप समझे, अगर आप अपनी न्यू स्टोरी को एक ग्रैटिट्यूड के साथ जोड़ देते हो तो इनडायरेक्टली आप कुछ चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। अभी आप बोलोगे अगर मेरा वेट 62 है और मुझे 53 चाहिए तो मैं क्या ऐसा बोलूँ क्या आई एम ग्रेटफुल टू अचीव 53 kg? नहीं, क्योंकि वो आपकी रियलिटी आज नहीं है। बट ठीक है, आपको वो अचीव करनी है, बट उसको अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए उसके बारे में सोचिए कि वॉट कैन मेक यू अचीव योर गोल। आप खुद को क्वेश्चन कीजिए इस सामने ये पूरा सर्कल को रख के कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ये गोल को अचीव कर सकता हूँ। तो जो वो छोटे छोटे स्टेप्स आपको दिमाग में दिखाई देंगे कि ठीक है अगर मैं ये पर्टिकुलर चीज करूंगा तो इतने मंथ्स में मेरा इतना ग्राम्स कम होगा, तो वो जो पर्टिकुलर स्टेजेस आपको दिखाई देंगे ना तो आप उनके लिए ग्रेटफुल फील करना स्टार्ट कीजिए कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम मेकिंग अ पॉइंट टू टेक आउट एक 1 आवर फॉर माई सेल्फ, एक घंटा मेरे लिए कि मैं खुद के लिए एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल कि मैं मेरे डाइट पे वर्क कर पा रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल कि आई एम मेकिंग इट अ पॉइंट फॉर गोइंग टू अ पर्टिकुलर क्लास। आई एम मेकिंग इट अ पॉइंट फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ माई हेल्थ। तो जो जो आपने सोचा है वो छोटे छोटे जो टास्क है ना, छोटे छोटे स्टेप्स, आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो। आज के टाइम में आप खुद के लिए वो स्टोरी बना सकते हो। जब भी आपको एक थॉट आएगा ना कि अरे यार मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तो वही टाइम पे आपको स्विच करने के लिए एक दूसरा थॉट चाहिए, नहीं नहीं मुझसे ये हो सकता है। आई एम ग्रेटफुल कि मेरी बॉडी अभी इतना तो भी फ्लेक्स कर रही है। आई एम ग्रेटफुल कि एटलीस्ट मैंने ये टास्क पूरा किया। आई एम ग्रेटफुल कि एटलीस्ट मैं यहाँ पे पहुंच के मैंने ये काम पूरा कर पाए, या एटलीस्ट मैंने डाइट में आज या एटलीस्ट मैंने रात का खाना स्किप करके मैंने ये खाया। आपको समझा, आप छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करोगे ना, तब जाके 6 महीने के बाद आपकी जो वो चीज रहेगी वो अचीव होने में आपको मदद हो जाएगी। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो इफ यू कैन चेंज योर स्टोरी ना, तो आप अपनी पूरी लाइफ को ही चेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको क्लैरिटी मिली है इससे कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। सेकेंडली एक चीज होती है पर्पस, कि आपको मेरे को एक पर्टिकुलर चीज चाहिए। मेरे को ना बहुत सारे लोग पूरे लाइफ गोल रखते हैं कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, या पूरे लाइफ गोल रखते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर पैसे अमाउंट कमानी है, या मुझे ये पर्टिकुलर क्या बोलते हैं गाड़ी खरीदनी है, मुझे पर्टिकुलर बंगलो खरीदना है, या मुझे मेरे रिलेशनशिप को बेटर करना है। पता है आपको, ये उनका आज का प्रेजेंट स्टेट है, ये उनका गोल है। इसमें जो ये डिफरेंस है ये क्यों आता है आपको पता है? क्योंकि उनको उनका वाई नहीं पता है, उनका पर्पस नहीं पता है, या उनको वाई पता है बट वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उनको सोने नहीं देता। आपको समझा, आपको आपका वाई जो है ना, जो पर्पस है उसके पीछे का, वो इतना स्ट्रांग रखना चाहिए कि वो आपको कॉन्स्टेंटली नैग करना चाहिए जब तक आपको गोल को अचीव नहीं कर लेते तब तक। आपको पता है, अगर
कोई चीज से आपको पेन फील होता है ना, तो ही आप वो चीज को छोड़ते हो, तब तक आप वो चीज को छोड़ते नहीं हो, दैट इज साइकोलॉजिकली प्रूवन, जो हम लोग बोलते हैं ना पेन प्लेजर मेकानिज्म। एक तो आपको जो चीज अचीव करनी है उसके लिए माइंड में बहुत सारा प्लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, या जो आप सिचुएशन में अभी हो उसके लिए आपको बहुत सारा पेन क्रिएट करना पड़ेगा। तो दिस शुड बी योर पर्पज। आपको आपका पर्पज पता होना चाहिए कि आपको एक पर्टिकुलर चीज आपके लाइफ में क्यों चाहिए। अभी आप देखिए कि एक मिसाइल हम लोग फायर करते हैं, अभी न्यू जो मैकेनिज्म है, अगर आपको पता है कि अगर हम लोग कोई रॉकेट से मिसाइल को फायर करते हैं ना, तो पहले कैसा रहता था कि यहाँ पे समझो टारगेट है और मिसाइल फायर किया और टारगेट अगर हट गया तो मिसाइल थ्रू एंड थ्रू चली जाती थी। अभी न्यू मैकेनिज्म क्या है आपको पता है कि अगर यहाँ पे टारगेट है और अगर आपने मिसाइल फायर की, तो अगर आप टारगेट हिलाते भी हो ना तो मिसाइल वो डायरेक्शन में हिल जाती है। तो इतना हमारा मशीनरी भी अपग्रेड हो गया है। तो सिमिलरली आपका पर्पस लाइफ का अगर पक्का है ना, आपको पता है आपको ये टारगेट को हिट करना है, आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है, तो आपका इंटरनली जो पर्पस है, वो जो मशीनरी है, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि भले ही आपकी स्ट्रैटेजीज रोज चेंज हो, यानी आपको पता नहीं है कि आपको कैसे वो चीज को अचीव करना है, फिर भी आपको पता है कि आपको क्यों अचीव करना है। देयर इज अ डिफरेंस। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि क्या अचीव करना है, सेकेंड वाई, क्यों अचीव करना है। ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो कैसे अचीव करना है ना, वो रोज स्ट्रैटेजी चेंज होगी। आपको पता है क्यों? क्योंकि रोज नई नई अपग्रेड्स आते हैं नए। आपको पता है पिछले जनरेशन में जो चीजें करते थे वो यही जनरेशन में थोड़ी आप फॉलो करने वाले, या शायद वो फॉलो करके भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो वो आप कर सकते हैं, बट आपको समझा टाइम के साथ हर चीज कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, इसीलिए आपका हाउ कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहेगा। जैसे पहले ऐसा था कि हम लोग अगर डायरी लिखते हैं तो हमारा टास्क पूरा होता है, एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। बाद में पता चला कि जो लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं वो एक्चुअली बहुत फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो हमने नेक्स्ट क्या बनाया कि टू डू लिस्ट नहीं बनाने का, एटलीस्ट पॉइंटर्स बनाने की, एक काम करने के बाद ही दूसरा काम हाथ में लेने का। तो आपको समझ में आया, थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको, अगर आप यूट्यूब स्क्रोल करोगे, आप गूगल स्क्रोल करोगे, आपको आपके हर चीज के लिए एक सोल्यूशन कॉन्स्टेंटली नया नया अपग्रेड मिलता रहेगा। बट दैट डजेंट मीन्स कि आपको, आप समझे, आपका हाउ चेंज होता रहेगा, बट अगर आपको वाई पता है तो आपने ऑलरेडी 80% आपकी सक्सेस की चीजें अचीव कर ली। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ, ये पाथ्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहेंगे, बट आपका जो रीजन रहेगा, आपको वो चीज क्यों चाहिए, वो आप इतनी पक्की आपके दिमाग में बनाओ, क्योंकि वही आपको फ्यूल देने वाली है आपकी सारे रास्ता पार करने के लिए। Go to the previous slide, ma'am, please. Which one? This one? The one before. Yeah, this one. Wait a minute. Purpose. Okay. Then slide next to this, after purpose. This one? Yes. Yes, yes. Just a minute. Yes. जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि 80% of success is why. पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए क्यों चाहिए, एंड देन इफ यू नो द वाई और आप कॉन्स्टेंटली उस जो डालते रहते हो ना, जैसे कभी आपने देखा होगा कोई स्टोरीज आप पढ़ते हो, जैसे अगर आप मिल्खा सिंह की भी स्टोरी पढ़ते हो तो उसमें उसका रीजन था कि उसको फूड चाहिए था खाने के लिए, आप समझे, उसका हंगर उसके लिए वाई था कि आप उसको क्यों बनना है रेसर, उसको क्यों जाना है रेसिंग में, उसको क्यों गोल्ड मेडल चाहिए, क्यों उसको इंडियन लेवल पे फाइट करना है। अगर आप मूवी देखोगे आपको समझ में आएगा, इट वॉज ड्यू टू हंगर। उसको ये नहीं था कि उसको रेस जीतना है, उसको ये नहीं था कि उसको फास्टेस्ट रनिंग पर्सन इंडिया का बनना है या वर्ल्ड ओवर बनना है, बट उसका मेन पर्पज यही था कि उसको खाना चाहिए था। आपको समझा, अगर आपका वाय आपको पता चलता है ना, तो वो आपको एक बूस्ट देता है, आपको वो रुकने नहीं देता है, आपको वो कॉन्स्टेंटली एक ना एक जोन में लेके जाता है, जब आप टास्क करते रहते हो कॉन्स्टेंटली। इसीलिए आपको आपका वाय पता रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का वाय कब तैयार होता है, जब कोई आपको इंसल्ट करता है, जब आपको कोई चीज के लिए गुस्सा रहता है, या वाय कब पता चलता है, जब आपके सामने कोई मॉडल रहता है, जैसे कोई किसी के पेरेंट्स रहते हैं, आपको पता रहता है कि मुझे ये क्यों जीना चाहिए, क्योंकि मुझे उनके जैसे लाइफस्टाइल जीनी है, मुझे ये लाइफस्टाइल में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो आपको समझा, अगर आपको आपका वाय पता है, आप कॉन्स्टेंटली उसको खुद के सामने रखते हो ना, एक बहुत अच्छी हैबिट में मेरे लास्ट ग्रुप्स में बोलती थी कि आप एक स्टिकर्स बनाओ,
एक ब्लू बोर्ड रखो जिसपे नहीं बुलेटिन लगा के आप चीजें रख सकते हो, तो कॉन्स्टेंटली अगर आप वहां पे वो वाई रखते हो ना, तो वो आपको हेल्प करेगा चीजों को अचीव करने के लिए. एंड जस्ट देन 20% इज हाउ, क्योंकि हाउ कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा. आप कॉन्स्टेंटली रोज, मैं आपको बोलूँ, रादर देन एक स्ट्रेटेजी पे फिक्स होने से ज्यादा अगर आप रोज सुबह उठ के खुद को क्वेश्चन करते हो ना कि हाउ कैन आई अचीव दिस, तो आपको आपके ब्रेन और नए नए आइडियाज देगा और नए नए वेज देगा. जैसे अगर आप देखोगे आपसे आपका बच्चा बहुत अच्छे से मोबाइल हैंडल करता है, जो चीजें आपको भी नहीं पता होगी वो आपके बच्चे आपको सिखा सकते हैं. तो इतना आपका ब्रेन भी फास्ट है, हर दिन वो नई चीजें सीखता है, हर दिन वो नई चीजें एक्सपीरियंस करता है, तो हर दिन वो आपके नए आंसर्स भी दे सकता है. तो रादर देन स्टिकिंग टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी एंड फेलिंग इन इट, आप सिर्फ आपके क्या चीज चाहिए, क्यों चाहिए, ये दो चीजें फिक्स रखोगे और हाउ आपका रोज चेंज करोगे ना, तो आप जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाओगे. सो आपके टास्क के मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट तो आपने ये जो सर्कल वाला जो बनाया है अभी, उसको आपको एक ग्रुप में उसका एक फोटो निकाल के पोस्ट करना है. सेकेंडली उसको 6 महीने के बाद आप कहाँ रहोगे, जैसे मैंने आपको बताया आप डॉटेड लाइन क्रिएट करोगे कि 6 महीने के बाद आपको आपके गोल्स में क्या शिफ्ट चाहिए, कितना स्कोर, वही पेपर पे, सेम पेपर पे, तो वो एक इमेज आपको पोस्ट करना है. सेकेंडली अभी आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, ठीक है, क्यों चाहिए वो आप अपने दिमाग में बनाओ. बट आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू क्रिएट अ न्यू स्टोरी ऑफ योर्स. एक न्यू स्टोरी खुद के लिए बनाइए. व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर इन योर लाइफ, जैसे एटलीस्ट कोई भी 5 पॉइंट, जैसे वो अभी आपके पास है ना, तो भी आप उसके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हो कि 5 न्यू स्टोरी के आपकी जो आपके ओल्ड पैटर्न है, जैसे आप बहुत बार जो नेगेटिव वर्ड्स खुद को बोलते हो ना, वो छोड़ के आप उसको कैसे अल्टर कर सकते हो न्यू वे में. एक खुद की एक छोटी सी 3 लाइन की हो सकती है, 5 पॉइंट्स की हो सकती है, कोई भी एक न्यू स्टोरी न्यू अफर्मेशन के साथ उसको आप जो फेसबुक आपका जो हमारा पेज है कम्युनिटी का, उसके ऊपर आप पोस्ट में ऊपर आपके 5 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आपकी न्यू स्टोरी के लिखोगे. खुद को इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि मैं आपको किसी को भी बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ, मैं कुछ कुछ लोगों को ही जानती हूँ. तो आप अपना नाम डालिए, आपको खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए कि दिस इज मी एंड मी माई न्यू स्टोरीज. भले ही आप अपनी ओल्ड स्टोरी मत डालो, अगर आपको मेरे से हेल्प चाहिए तो आप अपनी ओल्ड स्टोरी भी डाल सकते हो, तो मैं आपको हेल्प करूंगी कि न्यू स्टोरी कैसे फॉर्म करिए. बट को पता है तो अब अपनी न्यू स्टोरी के 5 पॉइंट्स डालिए एंड उसके बाद आपको खुद का फोटो पोस्ट करना है. नाउ बी कमिटेड, बी हैप्पी, सेलिब्रेट योर न्यू स्टोरी. अभी आप न्यू स्टोरी कैसे सेलिब्रेट करोगे, आई वांट कमिटमेंट का कलर आपको पता है क्या है, कमिटमेंट का कलर इज रेड. रेड कलर का कोई भी चीज पहनिए, भले ही आप ड्रेस पहनिए, आप टाई पहनिए, आप प्रॉप पहनिए, कोई एक्सेसरीज हाथ में कैरी कीजिए, जैसे मग हो गया, बिंदी रेड कलर की लगा सकते हैं, इयर रिंग्स, मैन है तो आप अपनी बुक, डायरी, कुछ भी, आपका फोन, आप वो शो करके एक सेल्फी निकालिए, उसके साथ आपको ग्रुप में पोस्ट करना. सो फर्स्ट थिंग इज आपका वो व्हील ऑफ लाइफ आपको पोस्ट करना है. सेकंड आपकी न्यू स्टोरी को आपको उधर लिखना है विद योर फोटोग्राफ. ये 2-3 चीजें आपको ग्रुप में पोस्ट करनी है. सो दिस इज योर फर्स्ट टास्क ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. मैम वो अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड के साथ आप भेजोगे अपने जो जो बोले हो अभी सेशन में आप बोल रहे हो बताया क्या जो एग्जांपल्स आपको चाहिए. ओके ओके नहीं सबके लिए आपने बोले थे एक 4-5 अफर्मेशन वही ना वो 7 लेयर्स के लिए आपको अलग अलग एग्जांपल चाहिए क्या. हाँ हाँ क्राइटेरियाज और एग्जाम्पल ठीक है मैं आपके लिए पोस्ट कर दूंगी. मैं क्या करती हूँ ग्रुप में एक एग्जाम्पल के तौर पर डालती हूँ बट आप उसको कम्प्लीटली फॉलो मत करना. मैं क्यों नहीं डाल रही थी पहले, कभी कभी सब लोग है ना कॉपी पेस्ट करते हैं, वैसा नहीं चाहिए क्योंकि आपके सबके लाइफ के क्राइटेरिया 10 ग्रेड करने के सबके अलग अलग होंगे. मेरे अलग है तो आपके कुछ अलग होंगे ठीक है. सिर्फ वो लेयर सेम रहेगा. आपको समझ में आया. तो मुझे ऐसा चाहिए कि अगर आप है ना उसको अपने क्राइटेरियाज रखोगे तो चलेगा. बट ठीक है एग्जाम्पल के लिए मैं आपको हर एक लेयर के 2-3 क्राइटेरियाज भी डालती हूँ प्लस न्यू स्टोरी का एक एग्जाम्पल डालती हूँ कि आप अपनी न्यू स्टोरी कैसे कर सकते हो. अभी जैसे आप रूचा के साथ बैठे हो ना तो आस्क रूचा टू ऑल्सो डू दिस टास्क. यस यस मैम लेकिन वो चली गई है अभी. नहीं दैट इज ओके. और मेरा मैं आपको बोल रही हूँ कि आप उसको उसकी न्यू स्टोरी बनाने बोलोगे ना विद अफर्मेशन तो उसको
अच्छा हाँ मैडम, अभी मेरा कुकिंग टाइम चलेगा, थोड़ी देर बाद पोस्ट करेंगे तो चलेगा? हाँ आप कल दोपहर को 3 बजे तक पोस्ट कर सकते हो। अच्छा मैम, ओल्ड फोटो होगी तो चलेगी? बट न्यू कीजिए, न्यू मजा आएगा आपको खुद को करने। पता है ये ग्रेटिट्यूड चैलेंज का बेस्ट पार्ट क्या है, जब आप इस टास्क को पूरा करते हो ना, तो आप वही मोमेंट पे उसका एक एक्सपीरियंस को गेन करते हो, और वो एक्सपीरियंस आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। अच्छा ट्राई डूइंग इट अ न्यू पिच, बट अगर आपके पास पुराना फोटोग्राफ है तो कोई बात नहीं, कर सकते हो, ओके ओके चलेगा।